प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट अल्प समय के लिए पहुंचे ब्यावर। प्रसन्न गणपति मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मांगा जीत का आशीर्वाद। कटारिया कॉलोनी के खाली पड़े भूखंड में मिली अज्ञात युवक की लाश, पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द की लाश। राष्ट्रीय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पहुंचे ब्यावर। निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सिंह चौहान के समर्थन में दिया संबोधन। और विद्युत विभाग का लोहार बस्ती जीएसएस लगभग बनकर तैयार, आगामी दिनों में शीघ्र ही कर दिया जाएगा शुरू। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनावों के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारकों की ओर से सभाएं, नुक्कड़ सभाएं तथा रैलियां की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चीफ सचिन पायलट शुक्रवार को ब्यावर पहुंचे। हेलीकॉप्टर से श्री सीमेंट स्थित अस्थायी हेलीपैड पर उतरने के बाद पायलट स्वयं कार चलाते हुए सूरजपोल गेट बाहर स्थित श्री प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचे। यहाँ पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने तथा ब्यावर में कांग्रेस प्रत्याशी पारसमल जैन की जीत की कामना की। पायलट के गणेश मंदिर पहुंचने से पहले ही हजारों समर्थक मंदिर के आसपास एकत्रित थे। पायलट के आते ही कांग्रेस जनों ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद तथा सचिन पायलट जिंदाबाद के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। गणेश मंदिर में दर्शन के बाद पायलट सीधे अजमेरी गेट पहुंचे, जहां पर सुबह से ही उनका इंतजार कर रहे हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान उन्होंने अपने अल्प समय में ही भाजपा पर जमकर गुब्बार निकाला। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी व करनी में बहुत फर्क है, वो जो कहती है वह करती नहीं, जिसके कारण प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है। पायलट ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और ब्यावर में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पारसमल जैन पार्टी के समर्पित तथा निष्ठावान कार्यकर्ता है। आप प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस को तथा ब्यावर से पारसमल जैन को जिताकर विधानसभा भेजे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बातचीत करते हुए सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र को अक्षरशः लागू करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि मैं ब्यावर में आता जाता रहा हूं, शहर की गैस दुखांतिका के समय पर वे भी यहां पर आए थे। प्रदेश के जनता का साथ उनका गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि समय का अभाव होने के कारण आप लोगों को समय कम दे पा रहे हैं, लेकिन मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, शहर के व्यापारी तथा आम जनता पर पूरा भरोसा तथा विश्वास है। अतः 7 दिसंबर को कांग्रेस प्रत्याशी पारसमल जैन के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कर उन्हें जितावे। पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी जैन के समर्थन में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कांग्रेस जनों तथा शहरवासियों का हृदय से आभार जताया। अजमेरी गेट से पायलट का रोड शो में शामिल होकर चांगेट पहुंचना था, लेकिन समय अभाव के कारण रोड शो में शामिल नहीं हो पाए। यहां से ही उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रोड शो को रवाना किया तथा पिसांगन के लिए रवाना हो गए, लेकिन अल्प प्रवास के दौरान ही पायलट ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भर गए। कांग्रेस प्रत्याशी पारसमल जैन के साथ अजमेरी गेट से शुरू हुआ रोड शो महादेव छतरी पहुंचा, जहां पर जैन ने भगवान महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद रोड शो का काफिला एकता सर्किल और रांचो पर होते हुए चांगेट पहुंचा। रोड शो के काफिले का शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान शहर के व्यापारियों ने प्रत्याशी जैन का स्वागत किया। जैन ने भी व्यापारियों से मिलते हुए कांग्रेस के समर्थन में मत देने की मनुहार की। रोड शो में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार को कांग्रेस जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद तथा पारसमल जैन जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। रोड शो में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, महिला संगठनों सहित कांग्रेस के सभी संगठनों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा शहरवासी शामिल थे। रोड शो के चांगेट पर संपन्न होने पर पारसमल जैन ने सभी कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, व्यापारियों तथा शहरवासियों का आभार जताया।
इस दौरान जैन ने कार्यकर्ताओं को बताया कि पायलट के पास समय का अभाव था, जिसके चलते वे अजमेरी गेट पर अभिवादन स्वीकार करने के बाद आगे के लिए प्रस्थान कर गए। इस दौरान पायलट ने कार्यकर्ताओं के उत्साह को सलाम करते हुए सभी को एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया है। करने की वजह से पायलट साहब वापस निकल गए, लेकिन जो आदेश मुझे दिए है कि पारस 7 दिसंबर की शाम तक इस जोश को बनाए रखना और ये जोश जीत में बदलना चाहिए। ये रियावर का विकास का मुद्दा है, रियावर से भ्रष्टाचार को दूर करने का मुद्दा है, ये कोई जाति का मुद्दा नहीं है, ये शहर और गांव का मुद्दा नहीं है। अगर गांव और शहर की अगर मैं बात करूं तो ये जो जनता आप देख रहे हैं आपके सामने, आप सब अपने आंखों से देख रहे हैं कि इसमें कहीं आपको लग रहा है ये शहर और गांव का मुद्दा है। शहर में शुक्रवार सुबह कटारिया कॉलोनी स्थित एक खाली भूखंड में एक अज्ञात युवक की लाश मिली। आबादी वाले क्षेत्र में स्थित खाली भूखंड में अज्ञात युवक की लाश मिलने पर आसपास के क्षेत्रवासियों में सनसनी फैल गई। उधर सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया तथा लाश की शिनाख्त के प्रयास किए। लाश की शिनाख्त नहीं होने के बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के मोर्चे में पहुंचे। घटनास्थल पर काफी संख्या में पत्थर पड़े हुए थे। युवक के सिर पर भी पत्थरों के वार के निशान है। माना जा रहा है कि मौत से पहले युवक ने काफी संघर्ष किया हो तथा इस दौरान हत्यारों ने उसके सिर पर पत्थरों से वार किया हो। पास में पड़े पत्थरों पर खून लगा हुआ था, उसकी चप्पल पास से ही मिली है। उधर मौके पर पहुंचे डिप्टी हीरालाल सैनी तथा थानाधिकारी रविंद्र प्रताप दारा ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। जानकारी के बाद दोपहर को अजमेर से डार स्क्वाड टीम तथा FSL टीम भी मौके पर पहुंची। टीम के सदस्यों ने घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए। पुलिस के अनुसार मृतक ने लाइनिंग टी शर्ट तथा जींस पैंट पहन रखी है। उधर शुक्रवार दोपहर को युवक की हत्या की खबर फैलने के बाद उसकी शिनाख्त सेंधा रोड अजगर बाबा का थान निवासी कालू पुत्र हजारीलाल सोलंकी के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने उसकी शिनाख्त अस्पताल की मोर्चरी पहुंच कर की। उधर सिटी थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस गहनता से मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस जांच के दौरान क्षेत्र के CCTV कैमरे खंगाल रही है। ब्यावर शहर की विद्युत व्यवस्थाओं को सुचारू रखने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान तथा शटडाउन की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर में विद्युत विभाग की ओर से शहर में बापूनगर तथा लोहार बस्ती में 2 नए GSS का निर्माण करवाया गया है। शहर के कॉलेज रोड स्थित लोहार बस्ती में स्थापित किए गए GSS की केबलिंग को पूर्णतया अंडरग्राउंड किया गया है। लोहार बस्ती का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि GSS पर 33 KV की लाइनें डाली जा चुकी है, साथ ही यहां से निकलने वाले 11 KV फीडरों के लिए भी लाइनें डाल दी गई है। सिंह ने बताया कि GSS पर स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया गया है, ट्रांसफार्मर लगाने तथा बेस वायर खींचने का काम चल रहा है। इसके लिए विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। 1.5 महीने में लोहार बस्ती GSS चालू कर दिया जाएगा। सिंह ने बताया कि लोहार बस्ती GSS के चालू हो जाने के बाद ब्यावर शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब तक शहर के 5 फीडरों से सप्लाई दी जा रही है, लेकिन इस GSS के शुरू होने के बाद 5 फीडरों की वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद 1 फीडर भर उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाएगी, जिसके कारण ट्रिपिंग की समस्या से उपभोक्ताओं को निजात मिलेगी। अधिशासी अभियंता सिंह ने बताया कि लोहार बस्ती GSS के चालू होने के बाद विद्युत उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। अंडरग्राउंड 33 KV की लाइनें डाली जा चुकी हैं और 11 KV की भी जो फीडर्स निकलने थे वो सारे केबल डाला जा चुका है। GSS पे स्ट्रक्चर भी खड़े हो चुके हैं। अब थोड़ा सा काम रह गया है, ट्रांसफार्मर लगाना और बस बार खींचना। वो 15 से 20 दिन का काम है, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी मैं सबसे भी बात किया था और जो अभी IPDS वाले बना रहे हैं एक्शन साहब, उनसे भी मैंने बात किया था और इसको यथाशीघ्र इसको चालू कराने की हमने बात की थी। तो उन्होंने बोला कि 1.5 महीने के अंदर हम इसको चालू कर देंगे। इस GSS के चालू होने से ब्यावर शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अभी ब्यावर शहर को 5 फीडरों से सप्लाई दी जा रही है
और इस जीएसएस के बनने से 10 फीडर हो जाएंगे और बाद में जब बापू नगर बनेगा तो 5 और 15 हो जाएंगे। लेकिन इस जीएसएस के बनने से भी जो लंबे फीडर हैं और जिन पे 6,000-7,000 उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, इसके ये गाड़िया लोहार जो लोहार बस्ती है उसके बनने के बाद में एक फीडर पे 2,500 से 2,000 कंज्यूमर आ जाएंगे। अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में प्रवचन के दौरान संत रामप्रसाद महाराज ने अपनी वाणी में जीवन में सफलता के सूत्र दिए। महाराज ने बताया कि हे प्रभु, मुझे तेरा ही आसरा है, मुझे हर समय तेरा ही ध्यान रहे तथा मेरे मुंह पर हर समय तेरा ही नाम आए। महाराज ने कहा कि प्रभु ने हमें 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ व 2 पैर दिए हैं। एक से भले ही हम संसार के कार्य करें पर दूसरे अंग से हर समय प्रभु का सुमिरन, भजन तथा दर्शन करते रहे। महाराज ने कहा कि यदि हम तीर्थ यात्रा न कर सके तो जहाँ सत्संग हो रहा हो वहाँ अवश्य जावे ताकि हमारा तीर्थ हो जाएगा। भागीरथी गंगा ने नहाने से केवल हमारा तन निर्मल होता है लेकिन सत्संग रूपी गंगा से हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार कुछ दिन नहीं नहाने से हमारे शरीर से पसीने से दुर्गंध आने लगती है, उसी प्रकार यदि हम नियमित सत्संग न करें तो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी विकार आ जाते हैं। जैसे हम मंदिर में घंटा बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उसी प्रकार रामद्वारे में प्रवेश करने पर हम बोलते हैं राम जी, राम राम महाराज, इसका अर्थ है वहां मौजूद गुरु मूर्ति एवं संतों से हम प्रातः, दोपहर एवं शाम को अर्थात 3 समय भी राम राम करते हैं। महाराज ने कहा कि सत्संग मन का ब्यूटी पार्लर है। देश के सबसे बड़े समाचार पत्र समूह दैनिक भास्कर समूह की ओर से शुक्रवार को संस्थापक स्वर्गीय रमेश चंद अग्रवाल 74वां जन्मदिवस प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर समूह की ओर से देश भर में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्यावर शहर में भी मेवाड़ी गेट बाहर स्थित सिटी डिस्पेंसरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ब्यूरो चीफ राजेश शर्मा के सानिध्य में सिटी डिस्पेंसरी में स्वर्गीय रमेश चंद अग्रवाल के चित्र पर पुष्पांजलि किया गई। इसके बाद शिविर में शहर के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों को दैनिक भास्कर समूह की ओर से रक्तदाता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। शाम तक चल रहे रक्तदान शिविर में 43 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस दौरान दैनिक भास्कर के राजेश शर्मा, मनीष शर्मा, प्रकाश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, दीपक चौहान, गुलशन शर्मा, नवीन जैन, वारिस कुमार सहित अन्य ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के दौरान दैनिक भास्कर समाचार पत्र के अधिकृत विक्रेता खान न्यूज एजेंसी के नियामत अली, महावीर प्रसाद नटराज सहित कुलभूषण उपाध्याय, वरुण साकला, दिलीप चौहान सहित अन्य शहरवासी उपस्थित थे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शहर के सेदरिया में विगत 7 दिनों से चल रहा पशु मेला शुक्रवार को संपन्न हो गया। नगर परिषद प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाले उक्त मेले में पुष्कर पशु मेले के बाद पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तथा अन्य प्रदेशों को पशुपालक यहां आकर पशुओं की खरीद करते हैं। जानकारी मिली है कि मेले में जितने पशुओं की आवक हुई थी उनमें से आधे पशुओं की बिक्री भी नहीं हुई, जिसके कारण पशुपालकों को अपने पशुओं को यहाँ से ले जाना पड़ा। पशुओं की बिक्री नहीं होने से पशुपालक को आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। पशुपालकों को पशुओं के लिए स्वयं के स्तर पर चारे तथा पानी की व्यवस्था करनी पड़ी, जिसके कारण उनकी जेब पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ गया। पशुओं की बिक्री नहीं होने के बाद भी नगर परिषद प्रशासन को मेले से दुकानों का किराया सहित अन्य स्रोतों से करीब 95,000 रूपए के राजस्व की आय हुई है। जानकारी के अनुसार पशु मेले में कुल 1600 पशु बिक्री के लिए आए, उसमें 780 बैल, 45 भैंसे तथा 30 दुधारू गाय शामिल थी। मेले के समापन के बाद सेदरिया क्षेत्र में गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। शनिवार तथा रविवार को नगर परिषद में अवकाश होने के कारण साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकेगी, इसके बाद ही प्रशासन की ओर से यहां पर साफ सफाई करवाई जा सकेगी। अजमेर रोड स्थित विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय में शुक्रवार को विद्युत समस्याओं के निराकरण संबंधी समझौता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह के सानिध्य में आहूत बैठक में बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर विद्युत उपभोक्ताओं की ओर से पूर्व में समिति के समक्ष रखी गई समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया तथा मौके पर ही उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें राहत प्रदान की गई। अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार
को आयोजित समिति की बैठक में 60 विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आमंत्रित किया गया। बैठक में 40 विद्युत उपभोक्ता उपस्थित हुए। इस दौरान विद्युत बिल की राशि ज्यादा आने, बंद मीटर की रीडिंग लेने सहित अन्य समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण किया गया। इस दौरान निगम को 20 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ। बैठक में ARO अंजलि मुद्रा, AO नरेंद्र मीणा, हेमंत जैन सहित अन्य उपस्थित थे। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा तथा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने जनता के साथ धोखा दिया है। दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने केवल अपना खजाना भरने का काम किया, जबकि जनता की सुविधाओं तथा विकास की ओर ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण प्रदेश की जनता में रोष है। गोगामेडी शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सिंह चौहान के समर्थन में अमरकुंज में आयोजित रावत राजपूत सभा के लोगों की सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में गोगामेडी ने कहा कि उपस्थित सभी से चौहान के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज वादों का पक्का है। कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज के पदाधिकारियों तथा चौहान का समर्थकों ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित सभी ने नारे लगाते हुए चौहान के पक्ष में मतदान का आश्वासन दिया। सभा के दौरान बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग तथा महिलाएं उपस्थित थी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 103 के अंतर्गत स्वीप कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत गोहाना में शुक्रवार को मतदाता जागरूकता रैली एवं हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी SDM सुरेश चौधरी ने बताया कि मतदाता रैली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोहाना से आरंभ की गई, जिसे चिमनाराम बालोटिया व्याख्याता ने छोड़ो अपने सारे काम, सबसे पहले करो मतदान का नारा लगाकर विसिल बजाकर रवाना किया। रैली ग्राम के मुख्य सड़क को ITI सेंटर गलियों तथा बाड़ियों से गांव के चौक में पहुंची। रैली के पश्चात मतदाताओं की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें BLO रूपाराम सिर्वी ने ग्रामवासियों एवं मतदाताओं को विधानसभा चुनाव 2018 में 7 दिसंबर को मतदान दिवस के मौके पर मतदान अवश्य करने एवं अजमेर जिले में इस बार शत प्रतिशत मतदान बढ़ाने हेतु सभी मतदाताओं से आह्वान किया। इस सभा को संबोधित करते हुए स्वीप प्रकोष्ठ के प्रभारी कल्याणमल ने EVM VVPAT की विस्तृत जानकारी दी तथा चुनाव आयोग द्वारा इस बार दिव्यांगों, विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए चुनाव बूथ तक लाने व ले जाने के लिए वाहन, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर की व्यवस्था किए जाने व उन्हें मतदान करने में प्राथमिकता देने की जानकारी दी। इसी कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत गोहाना में सरगम सप्ताह के 6ठे दिन कलर थीम ऑरेंज, धन से ना धान से, वोट करेंगे ध्यान से के साथ समस्त दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल रैली निकाली गई, जिसे गांव के ऑटो ट्राईसाइकिल चालक मोहन सिंह ने भारत माता की जय उद्घोष के साथ रवाना किया। रैली ग्राम के मुख्य चौराहों से रवाना होकर गांव के मुख्य सड़कों एवं गलियों से होती हुई पुनः गांव की चौपाल पर पहुंची। साथ ही कार्यक्रम के तहत गांव की चौपाल पर स्वीप टीम द्वारा लगाए गए मतदान प्रतिज्ञा बैनर पर सभी मतदाताओं ने हस्ताक्षर करके मतदान अवश्य करने की शपथ ली। इस मौके पर स्वीप प्रभारी जवाजा विकास अधिकारी हिंगलाज दान चारण, शलभ टंडन, दिव्यांग ग्रामीण मतदाता, BLO तथा शाला स्टाफ आदि मौजूद हुए। कॉलेज रोड स्थित बाल मंदिर नर्सरी एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को वाणिज्य एवं विज्ञान परिषद का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष गिरिराज झंवर, मुख्य अतिथि प्रोफेसर SR ढाबरिया, डॉक्टर NL बलदुआ, डॉक्टर दीपाली लाल एवं प्राचार्य अजय रानी माहेश्वरी ने माँ सरस्वती का पूजन एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रोफेसर ढाबरिया ने वाणिज्य तथा विज्ञान परिषद की घोषणा की। डॉक्टर NL बलदुआ ने छात्राओं को शपथ दिलाई। सचिव LC हेड़ा ने सभी अतिथियों का परिचय दिया तथा वाणिज्य तथा विज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर डॉक्टर NL बलदुआ ने छात्राओं को स्वच्छता, अनुशासन, मर्यादा सहित समर्पित भाव रखने का आह्वान किया। प्रोफेसर ढाबरिया ने जीवन में विज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए तथा इसके सदुपयोग से जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। डॉक्टर दीपाली लाल ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए जीवन में आवश्यक नियमों को अपनाने की सलाह दी। साथ ही मेडिकल के क्षेत्र में अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं के बारे में जानकारी दी। अध्यक्ष गिरिराज झंवर ने वाणिज्य तथा विज्ञान परिषद में करवाई जाने वाली गतिविधियों पर प्रकाश डाला। प्राचार्य अजय रानी माहेश्वरी ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में भागीरथ हेड़ा, अशोक टावरी, महेश मालू, ओम प्रकाश हेड़ा, लालचंद मुंद्रा, हरि नारायण बजाज तथा विजयकरण कांकानी सहित अन्य उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट अल्प समय के लिए पहुंचे ब्यावर। प्रसन्न गणपति मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मांगा जीत का आशीर्वाद। कटारिया कॉलोनी के खाली पड़े भूखंड में मिली अज्ञात युवक की लाश। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द की लाश। राष्ट्रीय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी पहुंचे ब्यावर। निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सिंह चौहान के समर्थन में दिया संबोधन। और विद्युत विभाग का लोहार बस्ती जीएसएस लगभग बनकर तैयार। आगामी दिनों में शीघ्र ही कर दिया जाएगा शुरू। We'll be right back.